तो ये पत्तियों के रूपांतरण, पत्तियों के रूपांतरण में पहला क्या पढ़ा रहा हूं, प्रतान। क्या पढ़ा रहा हूं, प्रतान। कुछ पत्तियां प्रतान के रूप में बदल जाती हैं, जैसे हमने बताया मटर, जैसे मटर की पत्ती है, जंगली मटर की पत्ती है, तो ये पत्ती है, ऐसे पत्ती लगी है तने पर, ठीक है, ये तने पर पत्ती लगी है। जैसे ये तना है, इस पर पत्ती लगी है। अब ये पत्तियां क्या होगी, प्रतान के रूप में बदल जाती है, पत्तियां प्रतान के रूप में बदल जाती है। मटर में, जंगली मटर में क्या है, पूरी पत्ती प्रतान के रूप में बदल जाती है, जंगली मटर में पूरी पत्ती प्रतान के रूप में बदल जाती है, पत्तियां हैं, एक दो तीन पत्तियां हैं। लेकिन मटर में क्या है, मटर और जंगली मटर अंतर, मटर और जंगली मटर, तो जंगली मटर में पूरी पत्ती ये पत्तियां हैं, यहाँ पर ये कच्छस्थलिका भी पाई जाए, कच्छस्थलिका पाई जाती है, ये अनुकरण है। अभी हमने बताया था कि एक शाखा, स्तंभ की शाखा और एक संयुक्त पत्ती के पिच्छाक्ष में क्या अंतर होता है, ठीक है, अभी हमने बताया था। तो ये पिच्छाक्ष है, ये क्या है, पूरा पिच्छाक्ष है, संयुक्त पत्ती है और ये पत्ती की शाखा है, तो इसमें पत्तियां प्रतानों में बदल गई। इसमें जंगली मटर में क्या है कि नीचे की अनुपण छोड़ करके ऊपर के आगे के अनुपण ये प्रतान के रूप में बदल जाते हैं, प्रतान के रूप में बदल जाते हैं। ऐसे तुम्हारा ग्लोरी लिली, ग्लोरी लिली में पर्णशीर्ष जो है प्रतान के रूप में बदल जाता है। ग्लोरी लिली जैसे होता है तो ये पत्ती होती है, तो पत्ती का पर्णशीर्ष ये प्रतान के रूप में बदल गया ग्लोरी लिली में। ऐसे क्लेमेटस में क्या होता है, क्लेमेटस की पत्ती, क्लेमेटस की पत्ती में पर्णवंध जो है प्रतान के रूप में बदल जाता है। जैसे ये शाखा है, ये पत्ती, ये पर्णवंध, इसका पत्ती भी गोल गोल होती है, अब ये पर्णवंध जो है प्रतान के रूप में बदल गया, ठीक है, ये किसमें होता है, क्लेमेटस में। अब चोबशीनी में क्या है, इसमें है इसे अनुपर्ण जो है प्रतान के रूप में बदल जाता है, चोबशीनी। तो चोबशीनी की पत्ती होती है, ये पत्ती है, इसमें अनुपर्ण जो है प्रतान के रूप में बदल जाता है। तो ये जो है पत्ती जो है प्रतान के रूप में बदल जाती है। तो ये जो तुम्हारा पिंग्यूक्यूला, तो इसमें भी ड्रोसेरा के समान होता है पत्तियां इसमें भी, किंतु इसमें स्पर्शिका रहित होती है, इसमें स्पर्शिका नहीं होती, ड्रोसेरा के समान होती है। और इसमें भी जब कोई कीट आकर के पत्ती के ऊपर बैठता है तो इसमें ग्रंथिल लोम होते हैं, ठीक है, और ग्रंथिल लोम होते हैं और ग्रंथिल लोम संवेदी होते हैं, उनके ऊपर जब कोई कीट आकर के बैठता है पत्ती बंद जाती है और उसके अंदर कीट डाइजेस्ट पकड़ता है। तो इसमें भी ट्रिगर रोम पाए जाते हैं, इसमें भी पत्ती के ऊपरी तल पर कई ट्रिगर रोम पाए जाते हैं और अनेक सवरंध ग्रंथियां भी होती हैं और ये ग्रंथियां पाचक रस निकालती हैं, ठीक है, तो इसमें भी ट्रिगर रोम पाए जाते हैं। तो ये तुम्हारी कीटाहारी पत्तियां होंगी, ये क्या हो गई, सभी कीटाहारी पत्तियां होंगे। और छठा है जल व भोजन संचय तथा कायिक प्रबंधन के लिए पत्तियों का रूपांतरण। तो इसमें बहुत सारा घी कुआर है, केतकी है, कुल्फा है, प्याज है, लहसुन है, इन सब में किस लिए होता है, इसमें ये पत्ती का रूपांतरण है। लहसुन भी ये क्या है, पत्ती का ही रूपांतरण है। घी कुआर, एलोवेरा, एलोवेरा की पत्ती कैसी होती है, उसमें लसलसी होती है, बहुत अधिक जल संचित होता है, तो वो भी घी कुआर की पत्ती भी एक पत्ती का रूपांतरण है। केतकी की पत्ती भी रूपांतरित पत्ती है। कुल्फा, उसमें भी म्यूसिलेस पाया जाता है, वो भी रूपांतरित होती है। तो ऐसे पत्तियों के छह प्रकार के रूपांतरण होते हैं। कितने प्रकार के, छह प्रकार के। एक तो प्रतान, कुछ पत्तियां प्रतान में परिवर्तित हो जाती हैं, कुछ पत्तियां कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, कुछ पत्तियां तुम्हारे पर्णघट के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, कुछ पत्तियां लीफ ब्लेडर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, फिर कुछ कीटाहारी पत्तियां हैं। सभी कीटाहारी पत्तियों के दोनों नाम याद करने पड़ेंगे और उनके संवेदी अंग भी याद करने पड़ेंगे और उनमें ग्रंथियां पाचक रस जो निकलती हैं तो वो भी याद करने पड़ेंगे, उनके आकार, उनसे संबंधित कुछ विशेष बातें याद करनी पड़ेगी, ताकि परीक्षा में जो प्रश्न आए तो फट से तुम उसको अपनी भाषा में लिख सको, ठीक है, नहीं समझ में आ गया।